पिस्ता मेरे को चाहिए थी आपको दिखाने के लिए। अल्टीमेट नजारा, अल्टीमेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक होंगे। आ चुका हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक और नया व्लॉग लेकर के, और आज का व्लॉग बेहद खास होने वाला है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस जर्नी के लिए वेट कर रहा था कि आप सभी के लिए जर्नी लेके आऊँगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि अनिल भाई आप जर्नी कीजिए श्रीनगर की। यस फ्रेंड्स, आज मैं व्लॉग लेके आ चुका हूँ फाइनली आप सभी के लिए। दिल्ली से श्रीनगर की आज हमारी जर्नी होने वाली है, और जो श्रीनगर जो अपनी डल लेक के लिए, वैलीज के लिए और अपनी वेदर के लिए, अपनी सुंदरता के लिए बेहद ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा जाना माना है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दिल्ली से श्रीनगर। और फ्रेंड्स, अभी पहुँच चुका हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से जो है श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, हज़रत निज़ामुद्दीन से काफ़ी सारी ट्रेन मिल जाएगी जो कि आपको लेके जाएगी उधमपुर। यस फ्रेंड्स, अभी जिस ट्रेन से हमारी जर्नी होने वाली है, ट्रेन का नाम है उत्तर संपर्क क्रांति 12445 12445, ट्रेन का नंबर है जो कि रन करती है नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बट हमारी जो जर्नी है कटरा तक की नहीं होने वाली है, हमारी जर्नी होने वाली है उधमपुर तक की। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में एंड तक बने रहना, सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। कितना आपको फेयर लगने वाला है, कैसे आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं, कितना टाइम लगता है और कितना आपका खर्चा होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेन की टिकट जो है अभी बुक नहीं करा रखी, रिजर्वेशन नहीं करा रखा, तो मैं यहाँ से जो है जनरल टिकट लेने वाला हूँ। जनरल टिकट लेकर के पहुँचूंगा उधमपुर। उधमपुर के बाद जो है आगे की जर्नी आपको कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके कैसे आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें ट्रेन का टाइमिंग जो है 8:50 है यहाँ से मूव करने का, डिपार्ट करने का, और अभी 8:30 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अभी आधा घंटा पहले 20-25 मिनट पहले आ गया था। तो अभी ट्रेन की टिकट लेने चलते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेन मैंने पता कर ली, ट्रेन हमारी जो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़ी है, अब जाकर के मैं टिकट लूंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, अपनी ट्रेन पकड़ चुके हैं, अभी यहाँ से डिपार्ट कर रही है नई दिल्ली से। लेट हो गया थोड़ा सा टिकट लेने में, बट फाइनली पकड़ ली उत्तर संपर्क क्रांति अपनी ट्रेन। ट्रेन की टिकट आप देख सकते हैं 210 रुपये की है फ्रेंड्स, ये वाली जनरल टिकट अपन को मिली यहाँ से। और अगर आप ट्रेन की टिकट लेंगे, जनरल टिकट वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, उसके चलते आप जल्दी आ जाइए, तो वहाँ पर आपको ट्रेन की टिकट जो है बहुत लेट मिलने वाली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट मैंने तो ले ली थी। और बात करें अभी यहाँ से 8:50 पे निकली, मॉर्निंग में वहाँ पे उधमपुर पहुँचने वाली है अपना 7 बजे के आसपास, 7:10 7:15 के आसपास जो हमारा रूट है यहाँ से दिल्ली से निकल के अपना, दिल्ली से पानीपत, और पानीपत से फिर आगे अपना ये जो है लुधियाना वाला रूट जो अपना पठानकोट कठुआ वाला जो है यहाँ से निकलने वाली, फिर उधमपुर पहुँचेगी सुबह मॉर्निंग में। और फ्रेंड्स, ट्रेन की कोच की बात करें तो इसमें जनरल कोच 4 हैं, 2 आगे 2 पीछे, लगेज रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा ऊपर। पठानकोट जा रहे हैं भैया, पठानकोट जा रहे हो? भैया ने बोला कौन सा चैनल है, मैंने बोला अन्नी ब्लॉग, सो भैया ने सब्सक्राइब कर दे, तो मैंने भैया जरूर कीजिए सब्सक्राइब। बिल्कुल कर रहे हैं भैया, सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी कर दीजिए अगर आपने। फ्रेंड्स देख सकते हैं, अभी सीट ना होने के चलते यहाँ पे बैठ के अभी जर्नी कर रहे हैं, और खड़े हुए हैं, बाकी आंटी बैठी हुई यहाँ पे, भैया बैठे हैं। और इसमें एक और बात बता दूँ आपको, अगर जैसे आप जनरल कोच से नहीं आना चाहते, तो इसमें स्लीपर भी अवेलेबल है, 3rd AC 2nd AC 4th AC भी है, जैसे आपका बजट है, जैसे भी आप कंफर्टेबल करते हैं उस वाली सीट की टिकट आप बुक करा सकते हैं। IRCTC पे आप जाके देख सकते हैं, जो भी आपका बजट है वहाँ पे सीट्स अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। सफर फ्रेंड्स थोड़ा कुछ ऐसी होने वाला है, अभी क्या है जनरल कोच में आपको पता है सीट मिलती नहीं है, तो यहीं पे बैठ के थोड़ी देर जर्नी करेंगे, सीट मिलेगी तो उसके बाद बैठेंगे। और टोटल सफ़र आपको पता है 11-11.5 घंटे का होने वाला है यहाँ पे। और बैग तो मैंने रख दिया ऊपर, स्पेस मिल गया था भाई। कुछ ये नज़ारे हमारे जनरल कोच के, फ्रेंड्स 10:08 पे अपना पानीपत रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। खाना लो देश, खाना। फ्रेंड्स आपको खाने के लिए यहाँ पे थाली वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे, अगर ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। और ये साइड पेंट्री अवेलेबल है ट्रेन में ना, पेंट्री नहीं है। फाइनली फ्रेंड्स, पाजी ने सीट दे दी यहाँ पे, 2 से 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद यहाँ पे जाके सीट मिली अपने को। पाजी ने, थैंक यू पाजी। फ्रेंड्स अपने अम्बाला कैंट आ चुका है, अम्बाला छावनी बिल्कुल राइट टाइम पे आया, 11:20 21 मिनट पे। ये अपना फ्रेंड्स लुधियाना जंक्शन, अब यहाँ से हमारी 5 से 5.5 घंटे की जर्नी बची हुई है उधमपुर तक की। फ्रेंड्स लुधियाना आते आते थोड़ी बहुत ट्रेन जो अपनी खाली भी हो चुकी है, साइड पे देखो भरी हुई थी, खाली हो गई, और यहाँ पे अपनी सीटें वाली, और ये भी देखिए खाली भी हो चुकी है ना, ये अपनी सीटें। यहाँ पे जैकेट वगैरह निकाल ली है, पहले ठंड लगनी थी, अब थोड़ी बहुत हो गई तो निकाल ली जैकेट मैंने। दोस्तों अभी पहुँच चुके हम कठुआ, और अभी देख सकते हैं सुबह के बज रहे 5:30 बजे, और ट्रेन हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है।
फ्रेंड्स यहाँ से अभी एक चाय ले ली बढ़िया गर्मा गर्म स्टॉल से और सेवन करेंगे इसका 5:30 बजे। फ्रेंड्स अपना जो लोकोमोटिव है बिल्कुल आगे लगा हुआ है और हमारा जनरल जो कोच है वो एक ये रहा और सेकंड वाला अपना है वो पीछे जो है, मतलब दो जनरल कोच आगे होते हैं दो पीछे हैं। फ्रेंड्स 7:40 है पहुंचे हैं रामनगर, देख सकते हैं क्या फॉग हो रखा है भाई, पूरे रास्ते में फॉग ही फॉग है, अमेजिंग ही है। फाइनली फ्रेंड्स पहुंच चुके अपने उधमपुर रेलवे स्टेशन, 7:55 पर पहुंचे हैं यहाँ पे गाड़ी जो हमारी 40 मिनट लेट है पूरा, और 7:10 का यहाँ पे टाइमिंग था उतरने का, पीछे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स रात में क्या मैंने ज्यादा शॉट्स वगैरह लिए भी नहीं, और क्या था वहाँ पे रात में क्या ही मैं आपको शॉट दिखा था। अब जो जर्नी आगे होने वाली है यहाँ पे आने वाला है मजा, क्योंकि मैं भी यहाँ की फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहा हूँ। और अगर आप उधमपुर आना चाहते हैं तो उधमपुर आप बहुत सारी ट्रेन आती हैं जो कि नई दिल्ली से रन करती हैं, ओल्ड दिल्ली से करती हैं, निज़ामुद्दीन से करती हैं, जिस भी ट्रेन से आप आना चाहते हैं तो उस वाली ट्रेन से आप यहाँ पे उधमपुर आ सकते हैं। और उधमपुर से आगे जाने का जो है बाहर निकलेंगे तो यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी और बसेज अवेलेबल मिल जाएंगे, देखते हैं वो भी आपको दिखाएंगे या फिर मैं शेयरिंग टैक्सी लेता हूँ कैब लेता हूँ, बाहर जाके पता चलने वाला है। फ्रेंड्स अभी आउटसाइड आ चुका है, फ्रेंड्स मिनी बस है जो हमें कुछ बस स्टैंड तक ड्रॉप करेगी, वहाँ से आपको बनियाल की बस वगैरह मिल जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ से मिनी बस मिल चुकी है हमें, जो कि हमें जो है बनियाल के लिए आगे जाने के लिए बस स्टैंड के पास वहाँ पे ड्रॉप करेगी, वहाँ से बनियाल के लिए बस मिल जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ से आपको जो कैब भी मिल जाएगी जो बनियाल के लिए जाती है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप बनियाल के लिए यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं। सामने देख सकते हैं वो इनोवा खड़ी हुई है, टवेरा, ये 600 रुपीज़ पर पर्सन है, अगर ज़्यादा होंगे तो 500 भी ले सकते हैं, 500-600 रुपीज़ तक। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भर चुकी है अपनी मिनी बस। फ्रेंड्स अभी आ चुके हम जखैनी चौक, बस से यहाँ पे उतर गया था जखैनी चौक से, अब यहाँ पे टवेरा गाड़ी से मूव करेंगे बनियाल के लिए। यहाँ पे और भी भाई लोग मिल गए थे, 4-5 अपने भाई लोग मिल गए थे यहाँ पे, और इन्हीं के साथ आप मूव करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सी का रेट था बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे हमें सही लगा और रीजनेबल लग गया, तो उसके बाद हम यहाँ से टैक्सी से मूव करने वाले बनिहाल के लिए। टाइम सेविंग है, जल्दी से पहुँचा देंगे, बस टाइम लेती है, वहाँ पे सवारी भरती है, उसके बाद वो मूव करेगी टैक्सी का। ठीक था, सामान वगैरह सेट हो चुका है हमारा यहाँ पे, और बनिहाल के निकलने के रेडी है हमारी टवेरा। जखैनी चौक है, जखैनी चौक पर हमें बस ने उतारा है यहाँ पे, यहाँ से अब अपना जाएंगे अपनी गाड़ी के अंदर। यहाँ पे भी टवेरा में पैसेंजर बैठ चुके, अभी मे भी थोड़े और पैसेंजर आएंगे अभी। अपनी जो अभी कार जो रुकी है इसका नाम है होटल कश्मीर दरबार एंड नाथ स्वीट्स। फ्रेंड्स भैया मेरे साथ है टवेरा गाड़ी जिनकी है, नाम क्या भैया अपना नाम बताइए? फिरोज अहमद। फिरोज अहमद भैया का नाम है, जिनकी टैक्सी चलती है अपना ये उधमपुर से लेके अपना बनिहाल। अगर आपको बनियाल के अलावा और भी लोकल साइट सीन करना है, टूर करना है यहाँ पे, इनका नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दे दूंगा, इस नंबर पे अगर आप उधमपुर उतरते हैं, उधमपुर पे क्या टैक्सी स्टैंड के पास, वहाँ पे टैक्सी स्टैंड वाले जो ज़्यादा पैसे लेंगे 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये। भैया ने मेरे को कितने में कराई भैया आपने जो 300 रुपये मात्र में भैया ने हमें उधमपुर से बनियाल तक के लिए ड्रॉप करने का वादा किया, और भी बंदे हैं तो भैया का नंबर दे दूंगा, उधमपुर कभी भी उतरते हैं सीधा भैया को फ़ोन मार लीजिए, आने से पहले ही फ़ोन मार लीजिए, ताकि आपको भैया वहाँ पे मिल जाएंगे और आराम से टैक्सी में बैठे सीधा पहुँचिए बनिहाल। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके, तो सीजन में जो है ऑफ सीजन ऑन सीजन जो है प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो अभी कम है 300 रुपये, तो उस टाइम पे जो सीजन में 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रुपये तक भी चला जाता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। फ्रेंड्स ये यहाँ की जो है लोकल चाय है, जिसे आपको ये मिलेगी नमकीन चाय है, और ये वाली जो है हमारी ये नॉर्मल चाय जैसे हम दिल्ली में पीते हैं, और ये भाई ने भी नॉर्मल चाय ली है, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो दो चाय मिलेगी, एक मीठी चाय मिलेगी और एक नमकीन चाय मिलेगी, तो भाई लोग पी रहे हैं, मैंने तो अभी मीठी चाय ली है, भाई ने नमकीन चाय ले ली गलती से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कैसी लग रही है फ्रेंड्स आप लोगों को जर्नी मेरी दिल्ली से श्रीनगर की, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, आज तक मैंने जो मूवीज़ में देखा था ये रूट पूरा, और आपके लिए मैं पूरा कवर भी कर रहा हूँ आगे जाने के बाद में, नेक्स्ट डे कल का जो है डे रहेगा अपना गुलमर्ग भी अगर ट्राई करूँगा, अगर कोशिश करूँगा अगर हो पाएगा तो गुलमर्ग भी मैं जाऊँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, आप लोगों से मेरी एक ही शिकायत है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मैं आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहता हूँ, और पहली बार अगर आपने मेरे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना यार, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के सभी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने भाई लोग साथ में जा रहे हैं, नाम क्या आपका? तनवीर भाई। तनवीर नाम है आपका? अभिजीत। आपका कहाँ से हो आप सारे? उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन राजस्थान और पानीपत हरियाणा, हरियाणा पानीपत, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे अपने भाई लोग सारे जा रहे हैं घूमने के लिए, और कैसा लग रहा सो फार जर्नी, कैसी आ रही है आपकी टवेरा में? बहुत बढ़िया। ओके, एक बार लाइक के लिए बोल दीजिए,
फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 45 मिनट 40 से 45 मिनट के यहाँ पे ब्रेक हुआ है। यहाँ पे खाना पीना खा लिया, चाय वगैरह। हाँ बिल्कुल, और 8:30 बजे वहाँ से बैठे थे। अब देखते कितने बजे पहुँचाते हैं वहाँ पे, उसके बाद जो आपको अपडेट करेंगे अपना बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास पहुँच के। फ्रेंड्स जी अपनी टनल आ चुकी है, चनाली टनल, और ये बहुत बड़ी टनल है। ये देखिए आप एंटर कर चुके टनल के अंदर। लाजवाब, शानदार। ये तो मेरे को लग रहा है अटल टनल की तरह, बिल्कुल मनाली में जैसी अपनी अटल टनल है, बिल्कुल वैसे का वैसे यहाँ पे आपको नजारा मिलने वाला है। और यहाँ पे यार मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, अगर आपको आदत नहीं है ज़्यादा पहाड़ों पे ट्रैवल करने की, तो आपको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। वॉमिटिंग के लिए आप टॉफ़ी वगैरह, रोचक, सटमूला, हाजमूला, जो भी आपको सही लगता है वो रखना ज़रूरी है। हमारी टैक्सी पहुँच चुकी है यहाँ पे, सामान अपने उतार दिया, ऊपर रखा था थोड़ा बहुत गंदा हो गया, बस मिट्टी विट्टी जम गई है। सभी लोग उतर चुके हैं, सामने देखते हैं बनिहाल अपना रेलवे स्टेशन है, यहीं से हमको लोकल ट्रेन लेनी है। फ्रेंड्स फाइनली सफर हमारा यहाँ पे अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। दिल्ली से निकलने के बाद आए उधमपुर, उधमपुर से हमने टैक्सी लेने के बाद पहुंचे अपना बनिहाल रेलवे स्टेशन। अब बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाद यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा, टिकट काउंटर यहाँ पर है। ये ट्रेन की टाइमिंग से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 7:15, 8:30, 9:55, 11:55, 13, 1 बजे, 1 बजे वाली से हम जाने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर आपको अप डाउन करना। तो फ्रेंड्स ये टिकट आप देख सकते हैं पर पर्सन 45 रुपीज। किस्मत है यहाँ पे स्नोफॉल भी मिल जाएगा मेरे को, देखते हैं गुलमर्ग में मिलने वाला है या फिर आगे श्रीनगर पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं यार मिले तो ज्यादा तभी मजा आएगा आपको दिखाने में। यही हमारी जो लोकल ट्रेन है जो बनिहाल से चल के अपना श्रीनगर पहुंचाएगी। सीट मतलब इतनी खास नहीं है, मैंने देखा अंदर से भी पूरी सेफ्टी हुआ है, और अपना गैस के अंदर मतलब थोड़ा सा हीटर वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये कुछ लुक है अंदर से हमारी ट्रेन की, ये लगा लो मतलब लाइक सीरियसली मैं बता नहीं सकता क्या फील आ रहा है। उत्तराखंड की पहाड़ियां मैंने देखी थी, हिमाचल की वादियां देखी थी मैंने, फाइनली मैं कश्मीर के श्रीनगर पहुंचने वाला हूं आप सबके लिए। अमेजिंग यार, क्या एक्सपीरियंस है यहां पे सो फार मेरा, अमेजिंग यार। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। लाइक वाली कंजूसी मत करना, लाइक का बटन ऊपर देखो यार, लाइक पे एक जरूर कर देना, इसमें कंजूसी मत करना। ट्रेन अपने डिपार्ट हो चुकी है यहाँ से बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ, 1 बजे का टाइम था, 1 बजे के साथ हो चुकी है। टोटल हमारी जर्नी जो होने वाली है 1 घंटा 45 मिनट की टोटल हमारी जर्नी होने वाली है इस वाली लोकल ट्रेन में। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स यही वाली इसमें मेरे को चाहिए थी आपको दिखाने के लिए। फ्रेंड्स यही तो चाहिए था आपको दिखाने के लिए, तभी तो बनाया दिल्ली से। अल्टीमेट नजारा। व्हाइट चादर से ढका हुआ पूरा श्रीनगर पहुंचते पहुंचते, अमेजिंग मजा आ रहा है यार, एक नंबर। देख सकते हो प्योर व्हाइट। जर्नी फ्रेंड्स बहुत बढ़िया रही मेरी, अमेजिंग यार, लाइक दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने तक की। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं विजिट किया तो पहली बार में यार सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ऊपर देखो अंगूठे का बटन होगा यार, जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना यार भाई प्लीज। आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे कंटेंट मैंने प्लान किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना। कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। वाओ यार कितना ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं श्रीनगर वुडन टच दिया हुआ पूरा पिलर्स में, ग्रेट यार, अमेजिंग। फ्रेंड्स यहाँ से क्या अभी हमने ऑटो भैया मेरे को मिल गए थे यहाँ पे, नाम क्या आपका? जी मंसूर भाई, मंसूर भैया का नाम है, और भैया का वहाँ पे जो आपका कहाँ पे प्रॉपर्टी? हमारा होटल है डल लेक में। डल लेक में जी सर, और वहाँ पे कौन सा नंबर है? घाट नंबर वन पे। तो इन्हीं के साथ हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है, हम जो 3 पर्सन जैसे मैं और 2 भाई मेरे को जो मिले थे ये रहने वाले, और यहाँ से इनके ऑटो में यहाँ से हमको भेजेंगे, उसके बाद वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी में चेक इन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे स्टे करने के बाद कल का जो भी प्लान होगा वो आपको आगे वीडियो में बताने वाला। फ्रेंड्स अपनी गाड़ी भी आ चुकी है, गाड़ी में बैठ के अब निकलने वाले। बैठो भाई बैठो, आ गया गाड़ी में बैठ करके अभी घाट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स गाड़ी से अपना उतर चुके हैं, गाड़ी से अपना क्या अपना होटल मिल गया यहाँ पे बिल्कुल डल लेक, देखो सामने डल लेक है, शिकारा खड़े हुए,
शिकारा के बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप। देखो ये अपना होटल है जो मेरे को मिल गए थे दो भाई, उनके साथ ही मैं आज यहाँ पे स्टे करने वाला हूँ। आपको ये अपना रूम होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे अपने तीनों बंदे रुकने वाले हैं। ये रूम बढ़िया ठीक है, देख सकते हैं आप ऊपर सीलिंग वगैरह काफी बढ़िया है और नीट एंड क्लीन। आपको जो वॉशरूम भी बढ़िया है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, मेन चीज नीट एंड क्लीन होती है। गीजर वगैरह लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, बकेट वगैरह ओके रिपोर्ट है। तो ये वाला रूम हमको मिल गया 1000 रुपए में। अगर फ्रेंड व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जो भी फ्रेंड्स या फैमिली कलीग प्लान कर रहा है आने के लिए, श्रीनगर आने के लिए, शिकारा करने के लिए, गुलमर्ग जाने के लिए, तो उनको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। गुलमर्ग मैं कल जाने वाला हूँ आप सबके लिए वीडियो कवर करने, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना यार, ताकि और भी सबको हेल्प मिल पाए मेरी इस वीडियो से। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।